तो आज हम शुरू करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द कीज ऑफ केमिस्ट्री। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक बॉन्ड के साथ यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्ड को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहली बात तो ये है कि एक फोर्स है, मतलब जैसे कि आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, ये भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है between the hydrogen of an atom and the highly electronegative atoms like fluorine, nitrogen and oxygen. ज़्यादा इंग्लिश हो गया? चलो आ जाते हैं हिंदी। हाइड्रोजन एक और एटम के मतलब के किसी और के साथ बॉन्डेड है, अभी HF है, यहाँ पे HF है, बस अभी सही है HF। तो ये हाइड्रोजन किसी और के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा, आसान गलत लिख रहे हैं, तो HF है, FH लिख लिया मैंने, तो फ्लोरीन के साथ अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड को हम बोलेंगे दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये बात है कि ये किस किस के साथ बनाएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के बाद जब आता है तो क्या होता है? एक होता है हमारा फ्लोरीन, एक होता है हमारा नाइट्रोजन, एक होता है हमारा ऑक्सीजन। इन तीनों के साथ अगर हाइड्रोजन किसी और के एटम के साथ मतलब बॉन्डेड है, अभी किसी और के मॉलिक्यूल पे है, फिर भी अगर इन तीनों के साथ अगर बॉन्ड बनाता है, इन तीनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे आता है, तो हमें बोलेंगे कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। HF का ही करके देख लेते हैं कि कैसे होता है। मान लेते हैं मेरे पास यह HF है, यहाँ पे भी एक क्या है HF है, यहाँ पे भी एक HF है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या हुआ गया, ये जो HF था, ये हाइड्रोजन इसी के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आया, तो ये जो बॉन्ड बना उससे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर भी सेम चीज हो गया, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन HCl अगर है, तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा। किन किन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कहाँ पे लिखा, मिटा दिया क्या? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों अगर है तो उनके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और उनको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी चलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने तरह के हैं। तो कॉस वाला पॉइंट भी खत्म हो गया, अभी चलते हैं कि कितने तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमारे पास। तो जेन्युइनली दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक होता है घर वाला, एक होता है बाहर वाला, मतलब कि एक होता है हमारा इंट्रा, एक होता है हमारा इंटर। दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, जब दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो दोनों अगर एक घर के हैं, एक परिवार के हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे घर वाले। दो लोग बाहर के हैं, मतलब कि अलग गांव के हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे बाहर वाले। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो इंट्रा का एग्जांपल लेके लेते हैं, पैरानाइट्रोफेनॉल। पैरानाइट्रोफेनॉल जब लेंगे, ऊपर OH रखते हैं और नीचे रखते हैं डबल बॉन्ड, कोई इधर रख लेते हैं, ये काम कर चीज। एक और बनाओ, एक और पैरानाइट्रोफेनॉल बनाओ, और यहाँ पे क्या करो कि उल्टा बना दो। यहाँ पे क्या करना है हमको, उल्टा बनाना है। तो अब हम दिखा पाएंगे कि क्या होता है, सॉरी डबल बॉन्ड होता है ना अंदर,
यह क्या चीज पर राइट ऑफ एंगल। तो यहां पे क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है पॉजिटिव, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनेंगे। ये दो बॉन्ड को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोनों बॉन्ड। तो ये क्या हुआ इंट्रैक, मतलब कि बाहर बॉन्ड बना। अभी देखेंगे कि इंटर क्या होता है, इंटर कब होगा जब अंदर बॉन्ड बनेगा। ये पारा है हम ऑर्थो करते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये क्या है हमारा ऑर्थो नाइट्रो फेनॉल। यहां पे ये हाइड्रोजन है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और इसे हम बोलते हैं इंटर, और ये है हमारा इंटर। समझ गए। अभी चलते हैं कॉज, और मतलब कि कैसे एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, फटाफट कॉजेस मिटा देते हैं इसको। कॉज एंड कंडीशन, कॉज क्या होता है, कॉज तो ये है क्योंकि वो जो कनेक्टेड होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसके कनेक्ट होने के बाद वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना वो क्या करेंगे कि दूर भाग जाएंगे। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो जब दूर भाग जाएंगे तो क्या होगा कि हाइड्रोजन एक्वायर कर लेगा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, मतलब कि जैसे कि होता है हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ये हमारा बन जाएगा हाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरह एक कुछ बन जाए, जैसे कि वो अट्रैक्ट कर सके किसी और के साथ भी, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्टेक्ट पे आ सके। एक एचएफ तो है ही, उसके साथ भी होने के बावजूद यहाँ पे जो एचएफ है इसका जो एफ है उसके साथ भी ये बॉन्ड बनाने के लिए भी आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव ज्यादा हो रहा है ना तो इसका पॉजिटिव भी हो रहा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स इफेक्ट कर रहे हैं। अभी कॉज के बाद आता है क्या, व्हाट आर द कंडीशंस कि कैसे एक्चुअली बॉन्ड बनता है, कैसे एक्चुअली क्या क्या एक्चुअली जरूरत है। सबसे पहले जरूरत है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर बोलते तो सिर्फ फ्लोरीन होता, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला है जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है। तो इसके बाद एक और पॉइंट है नंबर टू, दैट इज स्मॉल साइज ऑफ, स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। स्मॉल साइज अगर होगा तो हमें आसानी होगा, मतलब हमें आसानी नहीं होगा उससे आसानी होगा कि वो उतनी स्ट्रॉन्ग पे उतनी स्ट्रॉन्ग से वो उसको बाउंड कर सके, उसका रख सके। तो दो चीज है कंडीशन में, एक होता है हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आता है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसके कंपेयर हम कर रहे हैं उसका साइज भी स्मॉल होना चाहिए। दोनों पॉइंट अगर हो जाएगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम जानेंगे कि वो एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन HCl क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, ऐसा तो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। अगर क्वेश्चन आपके पास आया कि अमाउंट HF एंड HCl व्हिच इज
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हिच फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो HFO का आंसर HCl क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो Cl है इसका साइज थोड़ा ज्यादा है, काफी के बड़ा हो गया है, तो इसका साइज ज्यादा है। साइज ज्यादा होने से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है हमारा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब घट जाएगा ये उतना ज्यादा से बाउंड करके नहीं रख पाएगा, इसीलिए HCl नहीं बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि HF बनाता है। एक और बार मैं बोल रहा हूं, नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन अगर है तो वो बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके साथ ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।